आईपीएल 2022 के पॉइंट टेबल को डिसाइड करने वाला मुकाबला रॉयल चैलेंज बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। वैसे गुजरात टाइटंस के लिए मुकाबला हारे या जीते इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क पड़ा रॉयल चैलेंज बेंगलोर को। रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने इस मुकाबले को 8 विकेट से जीत लिया है। कहीं न कहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या की शानदार अर्धशतकीय पारी के दम पर 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बना लिए और 169 रन का लक्ष्य गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंज बेंगलोर के सामने रख दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार रन मशीन चेज मास्टर विराट कोहली का बल्ला चलने वाला था, जिन्होंने 54 गेंदों में 73 रन की विस्फोटक पारी खेली। फैफ डु प्लेसिस ने भी 44 रन बनाए, लेकिन अंत में आकर ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार 18 गेंदों पर 40 रन बनाकर इस मुकाबले को जिता दिया। आरसीबी के लिए न केवल ये एक जीत थी, न केवल ये 2 पॉइंट थे, बल्कि कहीं न कहीं प्लेऑफ में जाने का एकमात्र आखिरी रास्ता भी था। लेकिन इस जीत के बावजूद भी आखिर कैसे रॉयल चैलेंज बेंगलोर की मुश्किलें अभी भी बढ़ी हुई है, वो कौन से समीकरण है जो उन्हें अभी भी बाहर निकालेंगे, और कहीं न कहीं वो कौन सा रास्ता है कि वो दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होकर जगह बना सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस मैच के बाद पॉइंट टेबल का क्या हाल है और कौन सी टीमें अब प्लेऑफ में जगह बनाती हुई दिख रही है सब कुछ बताएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं आईपीएल 2022 के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। खैर अब आइए जानते हैं कि आखिर रॉयल चैलेंज बेंगलोर कैसे अभी भी मशक्कत कर रही है प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए, किन दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड है और कैसे डिपेंड है। लेकिन उससे पहले आपको उन टीमों के बारे में बताते हैं जिनका ऑफिशियली तरीके से काम हो चुका है। अब चाहे आप गुजरात टाइटंस को ले लें, पहले पायदान पर इस सीरीज को खत्म कर रही है 20 पॉइंट के साथ में। लखनऊ सुपर जॉइंट्स दूसरे पायदान पर अभी भी बनी हुई है, जहां उन्होंने 14 में से 9 मुकाबले जीते हैं। और ऑफिशियली तरीके से क्वालिफाई करने वाली गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जॉइंट्स दोनों टीमें हैं, लेकिन ऑफिशियली तरीके से डिसक्वालीफाई करने वाली जो क्वालिफाई नहीं कर पाई वो टीमें कौन सी हैं जिनका अब प्लेऑफ से कोई लेना देना नहीं है। तो मुंबई इंडियंस इसमें सबसे पहला नाम आता है, चेन्नई सुपर किंग्स इसमें दूसरा नाम आता है, लेकिन इनके अलावा भी 3 टीमें अब ऑफिशियली तरीके से बाहर हो चुकी है। उसमें सनराइजर हैदराबाद का भी नाम आता है, 13 में से 6 मुकाबले जीते हैं और 12 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल 8वें पायदान पर जरूर है। अंतिम मुकाबला जीतकर भी 14 पॉइंट हासिल कर सकती है, लेकिन रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने जैसे ही 16 पॉइंट हासिल किए अब 14 पॉइंट वाली टीमों के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है। ऐसा ही कुछ हाल पंजाब किंग्स का भी है, 13 में से 6 मुकाबले जीतकर 12 पॉइंट के साथ में ये टीम बनी हुई है, लेकिन अब ये टीम भी कहीं न कहीं बाहर होती हुई दिख रही है। ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट हासिल कर सकती है। कोलकाता नाइट राइडर अब 12 पॉइंट के साथ में सीरीज को खत्म कर रही है, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर, पंजाब किंग्स, सनराइजर हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ये 5 टीमें ऑफिशियली तरीके से तो बाहर हो चुकी है, लेकिन एकमात्र यहां से एक और टीम है जो डिसक्वालीफाई होंगी। वो कौन सी है आपको आइए बताते हैं कि पहले पायदान पर गुजरात, दूसरे पायदान पर लखनऊ है, तीसरे पायदान पर राजस्थान रॉयल की जगह लगभग लगभग तय है, क्योंकि अंतिम मुकाबला ये हार भी जाती है तो भी इनकी नेट रन रेट काफी अच्छी है, तो उस हिसाब से ये जगह बना लेंगी। बतौर ये कोई बड़े मार्जिन से जैसे 100 रन से मुकाबला हार जाए तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, लेकिन अगर हार भी जाती है नॉर्मल रेंज के साथ में तो भी जगह बना लेंगी। और हम मान रहे हैं कि तीसरी टीम राजस्थान रॉयल ही है जो जगह बनाएंगी, लेकिन चौथी टीम कौन सी होगी उसके लिए अब 2 दावेदार बचे हुए हैं, जिसमें रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने अपना काम तो कर दिया है, इन्हें अब कुछ नहीं करना है, इन्हें अब केवल मुकाबला देखना है। रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने 16 पॉइंट हासिल तो जरूर किए हैं, लेकिन मुश्किलें इसीलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि इनकी नेट रन रेट अभी भी -0.253 है, लेकिन दिल्ली कैपिटल अब रॉयल चैलेंज बेंगलोर को धकेल सकती है। कैसे? अगर दिल्ली ने अपना अंतिम मुकाबला जीत लिया तो कहीं ना कहीं ये टीम 16 पॉइंट तो हासिल करेंगी ही करेंगी, लेकिन इनकी नेट रन रेट रॉयल चैलेंज बेंगलोर से काफी अच्छी है। उस हिसाब से रॉयल चैलेंज बेंगलोर 16 पॉइंट होने के बावजूद भी डिसक्वालीफाई हो जाएंगी। अब यानी कि जो चौथी टीम है वो कहीं ना कहीं डिपेंड है दिल्ली कैपिटल वाले मुकाबले पर। अगर दिल्ली जीतती है तो वो चौथी टीम होंगी, अगर हारती है तो फिर वो क्वालिफाई से बाहर हो जाएंगी, यानी कि ये मुकाबला नहीं दिल्ली का महामुकाबला होने वाला है। तो कुछ इस तरह से प्लेऑफ अब काम कर रही है, लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।